तो ये है वार्डन 1.19 का सबसे तगड़ा और पावरफुल मॉब, और आज इसकी फाइट करवाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के आयरन गोलम्स के साथ। और ये कोई ऐसे वैसे नॉर्मल गोलम्स बिल्कुल नहीं होने वाले, ये होने वाले सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक वाले म्यूटेंट आयरन गोलम्स। तो देखते हैं गाइज हमारा वार्डन इन वाले आयरन गोलम्स के साथ में टिक पाता है या फिर नहीं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइज की जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको फटाफट से दबा दो, बाकी गाइज बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो सबसे पहले राउंड नंबर 1 जो कि होने वाला है वार्डन वर्सेस 5 आयरन गोलम्स, यानी कि 5 आयरन गोलम्स एंड 5 आयरन गोलम्स हो चुके हैं। लेट्स गाइस अभी यहां से फटाक से डोर को ओपन करते हैं। लेट्स, अबे भाई फटाक से ओपन हो, एक सेकंड हो गया शायद से। एंड देखो भाई 5 आयरन गोलम्स फिर से कूटने लगे। नहीं नहीं यार, ये वार्डन घिरा चुका है भाई, अगर घेर के मारेंगे ना तो ये पिटने वाला है। लेकिन इसने 2 आयरन गोलम्स को पीट के रख दिया है और ये तीसरा वाला भी गया। और अभी देखो गाइस वार्डन की हेल्थ आधी से ज्यादा कम हो चुकी है। लेट्स सी गाइस, ये आखिरी वाला आयरन गोलम शायद से इसको मार देगा। एक वार्डन की रेड हेल्थ हो गई है, बट गाइस वार्डन बिल्कुल भी नहीं मरा। इसका मतलब गाइस पहला वाला राउंड हमारा वार्डन बहुत आसानी से जीत। ओके, तो गाइस राउंड नंबर 2 जिसमें होने वाले गाइस 15 आयरन गोलम्स वर्सेस 2 वार्डन्स। ओके सो गाइस लेट्स गो यहां से 1 2 3 4 5 6 15 आयरन गोलम्स हो चुके हैं। लेट्स गो, अभी मैं इनको छड़ी देता हूँ यहाँ से एंड बूम गाइस। ओके, अब इनकी फाइट स्टार्ट हो जाने वाली। अबे हो भी गई भाई साहब, वार्डन कितने जल्दी कूट रहे हैं। 15 आयरन गोलम्स में से कम भाई साहब 10 आयरन गोलम बचे होंगे अभी, और बहुत ज्यादा तगड़ी वाली फाइटिंग चल रही है भाई साहब। आयरन गोलम के भी 100 हार्ट्स होते हैं आज पता चला मुझे तो वैसे। लेकिन भाई वार्डन ये वाला खत्म होने वाला है। नहीं भाई, अभी तो इतने सारे गोलम्स बचे हुए हैं और ये वार्डन की हेल्थ देखो भाई, दोनों गए, ढेर कर दिए भाई आयरन गोलम्स। इस वाले राउंड में तो गाइस आयरन गोलम जीत गए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही अमाउंट में थे इसलिए। तो ये तो थे गाइस माइनक्राफ्ट के एकदम नॉर्मल वाले गोलम्स, लेकिन अब आने वाला है अपग्रेडेड वाला आयरन गोलम जो कि फाइट करने वाला एक वार्डन से। सो लेट्स गो। ओके लेट्स गो, एंड अभी देखते हैं भाई साहब फाइट चालू हो चुकी है। अपग्रेडेड वाला आयरन गोलम डूस हो गया शायद से। अबे भाई इतनी जल्दी मर गया यार ये वाला आयरन गोलम, एक सेकंड भाई फिर से जिंदा हो गया। वार्डन की हेल्थ जरा सी भी कम नहीं हुई, और भाई साहब ये तो नॉर्मल वाले गोलम से भी काफी ज्यादा पुद्दू था। इसका मतलब कि गाइस हमारा जो वार्डन है वो काफी ज्यादा पावरफुल मॉब है अभी तक का भाई साहब। क्या ही मतलब चल रहा है भाई साहब, ये देखो एकदम तनके। ओके सो गाइस राउंड नंबर 4 जिसके अंदर एक वार्डन होने वाला है वर्सेस 5 अपग्रेडेड गोलम्स, देखते हैं भाई क्या होने वाला है। एंड फटाफट से मैं यहाँ से अभी बाउंड्री को हट क्लियर करता हूँ, लेट्स गो। एंड अभी यहाँ पर ये देखो भाई साहब पंखे चालू हो गए। ओ भाई ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। ओ भाई साहब क्या ही अटैक स्पीड है यार इनकी। एक गोलम जा भी चुका है, लेकिन ये देखो भाई पंखा चालू है, एक सेकेंड। ओ भाई वार्डन की हेल्थ तो देखो गाइस आप लोग, एक सेकेंड पूरी येलो पर लाकर खड़ी कर दी है, और यहाँ पर 2 वार्डन है तब भी। भाई साहब मुझे लग रहा है इस बार वार्डन की बैंड बजने वाली है, ये दोनों वार्डन नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि ये देखो भाई ये जनरेटर चालू जो हो रहा है ये देखो। अबे भाई साहब इसके लिए लाइक तो बनता है गाइस, एक सेकंड यार, काफी ज्यादा खतरनाक वाले गोलम्स हैं भाई साहब। मतलब अटैक कर रहे हैं कि पंखा चला रहे हैं, बट जो भी गाइस ये वाले गोलम्स जीत चुके हैं, इस चीज के लिए लाइक करना तो बनता है, तो फिर ठोको लाइक फटाफट से। ओके तो गाइस ये है राउंड नंबर 5, और इसमें होने वाला है 1 वार्डन वर्सेस 3 बफ्ड आयरन गोलम्स। अब ये आयरन गोलम्स भी एकदम नए होने वाले हैं, एंड गाइस मुझे भी नहीं पता कि कितने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस इनकी फाइट करवा कर देखते हैं, चलो भाई। एंड लेट्स गो गाइस 3 2 1 एंड बूम। भाई साहब ये 3 आयरन गोलम्स आ चुके हैं, अभी इन्होंने क्या फेंका भाई, आयरन ब्लॉक्स फेंक फेंक कर मार रहे हैं यार। ये आयरन ब्लॉक्स फेंकना मना है बिल्कुल भी, एक सेकंड भाई साहब। लेकिन काफी ज्यादा तगड़ा डैमेज पहुंच रहा है अपने वार्डन को, एक सेकंड भाई। वार्डन की इन्होंने आधी हेल्थ उतार भी दी है, कहां पर 500 हार्ट्स, एक सेकंड भाई। एक आयरन गोलम तो गायब भी हो चुका है, और कांटे निकाल निकाल कर मार रहे हैं भाई साहब वार्डन को। प्लीज भाई वार्डन जीत जाइए, देख नाक का सवाल है। 3 आयरन गोलम्स हैं बस, ये गया शायद से। एंड ये लो भाई 3 बफ्ड आयरन गोलम्स, कुछ भी नहीं लगे भाई हमारे वार्डन के सामने। मुझे लगता है गाइस माइनक्राफ्ट वाले इससे फाइट करने के लिए एक नया आर्मर तो ऐड करने ही वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट जो भी हो गाइस हमारे इस वाले राउंड को भी वार्डन भाई साहब जीत चुके हैं, एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले राउंड पे। ओके सो गाइस राउंड नंबर 6, अब इस वाले राउंड के अंदर 1 वार्डन वर्सेस 1 म्यूटेंट आयरन गोलम। भाई साहब इस बार म्यूटेंट वाला आयरन गोलम आने वाला है, देखते हैं भाई साहब अपने वार्डन की कितनी ज्यादा पिटाई लगने वाली है। एंड 3 2 1 लेट्स गो भाई साहब। ओ वेट भाई साहब, ये आयरन गोलम कितना ज्यादा तगड़ा है, एक सेकंड, कितने ज्यादा पावरफुल दिख रहा है भाई। इसके सिक्स पैक्स तो देखो यार, लगता है भाई आयरन गोलम जिम गया था। वेट 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 भाई साहब, ये आयरन गोलम ने हमारे वार्डन का गेम भी बजा दिया भाई साहब, पता भी नहीं चला। भाई साहब कितना ज्यादा पावरफुल है यार ये वाला गोलम, मतलब ऐसे चुटकियों में भाई वार्डन खत्म खेल। लगता है गाइस थोड़े से वार्डन के साथ नाइंसाफी हो गई है, वार्डन के कुछ साथियों को भी बुलाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। ओके लेट्स गो गाइस, ये दीवार हटा दी है, और अभी देखो गाइस 5 वार्डन वर्सेस 1 म्यूटेंट आयरन गोलम। भाई सब पांचों के पांचों लग गए उसको हराने के लिए, एक सेकेंड। और हमारे आयरन गोलम को धकेल दिया भाई कोने में,
अबे लगता है गाइस इस बार आयरन गोलम बिल्कुल नहीं टिकने वाला है, वेट ये देखो भाई साहब। सिर्फ एक वार्डन की बलि गई है और इन चारों के चारों ने इस वाले तगड़े मॉन्स्टर को भी हरा दिया है। क्या खाकर आए हो भाई साहब यार तुम सबके सब। ओके गाइस मैं अभी बच्चा हूँ इनके सामने ये देखो। ओके तो गाइस राउंड नंबर 7 और इस वाले राउंड के अंदर होने वाला है वन वार्डन वर्सेस तगड़ा वाला आयरन गोलम। हाँ इसको तगड़ा बोलेंगे क्योंकि गाइस इसका मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता है। एंड देखते हैं भाई इस वाली फाइट में वार्डन का क्या ही हाल होने वाला है। वैसे मैं वार्डन के सपोर्ट में हूँ यार, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड वेट अ सेकंड भाई इस वाले आयरन गोलम को देखो तो, इसके हैंड तो देखो भाई, ये हैंड की क्या ये ब्लॉक्स लगा कर आया भाई हैंड के अंदर, कितना ज्यादा तगड़ा है भाई वार्डन। मुझे लगता है आज तू बिल्कुल नहीं बचने वाला इस वाले गोलम से। ओके 3-2-1 एंड लेट्स गो भाई साहब, आई फाइट चालू भी हो चुकी है। भाई 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 मुझे भी इंजॉय करने का मौका दो भाई। वार्डन गया शायद से, क्योंकि भाई इसकी हेल्थ देखो कितनी ज्यादा येलो पे आ गई है भाई। एक सेकंड भाई वार्डन गया यार, नहीं भाई प्लीज वार्डन नहीं गया भाई। एंड अभी भी इसकी हाफ हेल्थ बची हुई है भाई, मैं सहन नहीं कर सकता वार्डन के यार, इसलिए अब मैं बुलाने वाला हूँ दो वार्डन को। ओके लेट्स गो गाइज, अब देखते हैं कि ना वार्डन जीतने कि हमारा एक तगड़ा वाला आयरन गोलम जीतता है। वैसे हमारे नहीं, वैसे ये तो मेरा ओपोनेंट है, मैं तो वार्डन की तरफ से सपोर्ट करूंगा। और वार्डन हमारे येलो वाली हेल्थ पर आ चुका है, ये वाला वार्डन भाई पूरा का पूरा गया। एंड एक सेकेंड अभी भी इन दोनों की फाइट चल रही है। मुझे लगता है भाई साहब ये गोलम जो है ना मेरे दूसरे वाले वार्डन को भी मार देगा क्योंकि इसकी हेल्थ भी रेड है। वैसे आयरन गोलम की हेल्थ जाने वाली है भाई, हमारा वार्डन जीत चुका है यार। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत गया भाई तू, बदला ले लिया तूने तेरे भाई का। भाई इसको पेट पर मारते तो ये क्या हो रहा है। ओके सो राउंड नंबर 8 जो कि होने वाला है वार्डन वर्सेस इस लंबू वाले आयरन गोलम से। एक सेकंड भाई इसको चलते नहीं बन रहा है क्या, देखा आपने गाइस लापरवाही का नतीजा यही होता है। एंड 3-2-1 लेट्स गो भाई साहब, लंबा वाला माइनक्राफ्ट का आयरन गोलम। अबे भाई एक सेकंड ये वार्डन उसको मार भी रहा है भाई, एक सेकंड ये पीछे क्यों जा रहा है भाई, अबे फाइट करो ना भाई साहब। एक सेकंड अबे इसने इतने सारे आयरन गोलम्स को बुला लिया यार, मेरा वार्डन भाई, मेरा वार्डन लगता है गाइस सब इन सभी को मारने वाला है। अबे यार नाइंसाफी हो गई लगता है गाइस फिर से वार्डन के साथ। अबे ओके सो गाइस अन्याय को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ओके सो इस बार होने वाला है 5 वार्डन्स। एक सेकंड भाई ये अटैक करने स्टार्ट करने लगा यार, रुको रुको भाई बाउंड्री का गेट तो ओपन करने दो फाइट के लिए। अब देखते हैं भाई कौन जीतने वाला है, क्योंकि इस तरफ हो गए हैं भाई साहब अपने पूरे के पूरे 5 वार्डन और इधर की तरफ सिर्फ एक अकेला ये आयरन गोलम। भाई क्या कर लेगा यार, ये देखो भाई सब के सब ये वार्डन्स उसको धकेल कर दीवार की तरफ ले आए हैं। अबे यार ये आयरन गोलम कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, मुझे पता था ये आयरन गोलम्स को ही स्पॉन करने वाला है। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 वार्डन्स बचे हुए हैं, बाकी सब खत्म हो गए हैं। अबे यार एक सेकंड भाई साहब इन्होंने इनके बॉस को मार दिया, लेकिन यार ये उसके चमचे बचे हुए हैं। और अभी कितने गोलम्स हैं, 4 वार्डन्स बचे हुए हैं वर्सेस भाई 2 आयरन गोलम और ये भी गया। अब ये पिला चुका है आयरन गोलम, शाबाश भाई दोनों वार्डन ने इस वाले लंबे वाले आयरन गोलम को भी नहीं छोड़ा। 100 वार्डन वर्सेस 1 अल्टीमेट आयरन गोलम। भाई साहब ये अल्टीमेट जो आयरन गोलम है ना काफी ज्यादा पावरफुल और तगड़ा है, इसलिए 100 वार्डन को मैंने पहले ही ले लिया है। और गाइस मुझे कोई आईडिया नहीं है कितना बड़ा होने वाला है भाई साहब ये गोलम है कि क्या है इतना बड़ा लार्ज। एक सेकंड भाई ये दीवार को यहाँ से क्लियर करो पहले तो, भाई वेट इनकी फाइट हो भी पाएगी कि नहीं होने वाली है। चलो भाई अटैक करो, लेट्स गो भाई साहब। सारे के सारे वार्डन एक साथ नहीं जा पाए और इन्होंने यही पर दम तोड़ दिया। आयरन गोलम है कि क्या है कितना ज्यादा तगड़ा है। लाइक भाई पूरे के पूरे 100 वार्डन्स थे लेकिन एक भी नहीं टिक पाया इनके सामने, सबकी सबकी लाश यहाँ पर बिछी हुई है भाई साहब ये देखो। लगता है गाइस मुझे इस बार 500 वार्डन्स को स्पॉन करना पड़ेगा, तभी गाइस पता चलने वाला है कौन विनर है इस वाले राउंड का। लेकिन उससे पहले गाइस आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी जो कि गाइस हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, तो आ जाओ यार फटाफट। मतलब यार 2K मेंबर्स करवाने हैं कि नहीं करवाने, तो आ जाओ फिर फटाफट से। ओके सो गाइस मुझे अभी पक्का तो नहीं पता कि यहाँ पर पूरे 500 वार्डन्स हैं या फिर नहीं, बट गाइस बहुत सारे हैं यानी काफी ज्यादा हैं। एंड अभी हमारे सामने है एक आयरन गोलम जो कि है अल्ट्रा वाला। एंड आप देखते हैं गाइस इतने सारे आयरन गोलम्स क्यों इस वाले गोलम के सामने जरा सी देर भी नहीं टिक पाए। लगता है गाइस इसने खाने के अंदर डायमंड के ब्लॉक्स खाए तभी तो एकदम पूरा ब्लू ब्लू हो रहा है। लेकिन गाइस एक चीज अभी भी रेड है जो कि है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, समझ गए होंगे, तो फटाफट से उसको भी तोड़ दो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर नहीं किया हो तो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियो को वॉच करो।